नए साल 2019 के आगमन को लेकर लोहनगरी जमशेदपुर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर के तमाम पर्यटक स्थलों, होटलों में शहरवासियों के मनोरंजन व सुविधा के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। साल 2018 को अलविदा और 2019 नए साल के स्वागत को लेकर शहर के होटल प्रबंधन द्वारा आगंतुकों के लिए खास तौर पर मनोरंजन की व्यवस्था की गई है। हर धर्म संभाव से परिपूर्ण महानगरों की तर्ज पर यहाँ की जीवन शैली विविधता में एकता का संदेश देती है और यही वजह है कि प्रत्येक वर्ष यहाँ नए साल का उत्साह और उमंग बड़े पैमाने पर लोग मनाते हैं। इस दौरान यहाँ की सभी रमणीक स्थल सैलानियों की पहली पसंद होती है, तो वहीं शाम ढलते ही लोग होटलों की ओर रुख कर नए साल का जोरदार स्वागत करते हैं। वहीं नए साल को लेकर शहर के होटलों और क्लबों में भी पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस बार अल्कोहल को फोकस न कर फूड पर फोकस किया गया है, जिसमें कपल और बच्चों के लिए खास तौर पर पास की व्यवस्था की गई है। ऐसे में जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्थाओं के इंतजाम किए हुए है। वहीं शहर के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नए साल के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला के प्रत्येक पर्यटन स्थलों पर पुलिस कैंप लगाए जाएंगे और स्टैटिक फोर्स को भी तैनात किया जाएगा। पुलिस की अब पूरी तैयारी हो गई है। हम लोग जितने यहाँ स्थल हैं, पर्यटक स्थल है, जहाँ लोग शहर से पिकनिक मनाने जाते हैं या शहर के बाहर से भी लोग आते हैं, उस जगह पर स्टेशनरी फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। हर एक स्थल पर एक पुलिस कैंप टाइप का भी बनाया गया है। प्लस जो हमारा पेट्रोलिंग पार्टी है, चाहे वो PCR का हो, थाना पेट्रोलिंग हो, बाइक पेट्रोलिंग हो, सभी को स्पेशली ब्रीफ कर दिया गया है इस आने वाली नव वर्ष के पर्व को लेकर के। पब्लिक को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जमशेदपुर पुलिस पूरी तरह से तैयार है। सभी लोग शांति से एक हर्षोल्लास के माहौल में नव वर्ष को मनाएं, और ख़ास करके जो रात में यंगस्टर्स बाइक पर स्टंट करते हैं या बाकी लोग जो ड्रिंक एंड ड्राइव की सूचना आती रहती है, उसमें लगातार 26 दिसंबर से ही कार्रवाई हो रही है। 26 दिसंबर से एवरी डे इवनिंग से लेकर के लेट नाइट तक लगातार चेकिंग की जा रही है, और उसमें जो लोग भी पकड़े जा रहे हैं या तो स्टंट करते हुए या ड्रिंक एंड ड्राइव में, उनमें जो अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंगली उन पर कार्रवाई की जा रही है, और ये लगातार चलती रहेगी। इसके बाद लोगों से मेरा अपील है कि कहीं भी अगर किसी प्रकार की कोई आशंका, किसी प्रकार की कोई असुविधा दिखे, तो आप निकटतम पुलिस स्टेशन या पुलिस टिकट या पुलिस कैंप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डायल 100 पर भी आप इमीडिएटली सूचना बता सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप, हमारे CCR का एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप कोई भी ऐसा फोटो हो, वीडियो हो या कुछ भी ऐसा चीज़ जो आप पुलिस को बताना चाहते हैं, जो आम जनमानस के लिए सही साबित हो सकता है, उसको आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। पुलिस इमीडिएटली उस पर कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि अब नए साल के आने में कुछ ही घंटे बचे हैं, जिसका लोगों में खासा उत्साह भी दिख रहा है और लोग बेसब्री से नववर्ष का इंतजार कर रहे हैं। वहीं शहर में पुलिस ने भी सुरक्षा के मद्देनजर खासा इंतजाम किया हुआ है और पिछले 26 तारीख से ही शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ऐसे में लोगों को भी नए साल का आनंद लोगों के साथ घुल मिलकर मनाना चाहिए और शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। पंजाब केसरी TV के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।